हेलो मैम आपका अच्छा यस मैम, गुड गुड इवनिंग। आफ्टरनून। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून मैम। मैम, क्या हाल चाल सबके, कैसे हो? हम मैम हम लोग ठीक है, आप बताइए। भी ठीक है। चलो वील स्टार्ट विथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स टुडे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा सेगमेंट बचता है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं आज। ठीक है, एंड दैट इज एम्ब्रायोजेनेसिस। मैम ये सेकेंड चैप्टर है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाँ, ये सेकेंड एंजियोस्पर्म। चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा कुछ पॉइंट लिखना बच रहा था, ये तो यूनिट 1 का ही है ना मैम? हाँ, यूनिट 1 का ही है। ठीक हाँ ठीक है मैम, थैंक यू। है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उसमें एक टॉपिक बस बचता है, दैट इज एम्ब्रायोजेनेसिस। तो एम्ब्रायोजेनेसिस एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी जहां पे लिख रहे थे, जहां पे नोट्स बना रहे थे, वहीं पे एम्ब्रायोजेनेसिस लिखो। रुको, हम भी लिखते हैं साथ के साथ। एम्ब्रायोजेनेसिस, ठीक है, एम्ब्रायोजेनेसिस लिखो। चलो अब इसके अंदर लिखो, एम्ब्रायोजेनेसिस के अंदर लिखो, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, या फिर डेवलपमेंट ऑफ लिखो, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम द जाइगोट, एम्ब्रायो फ्रॉम द जाइगोट। तो एम्ब्रायोजेनेसिस क्या होता है? एम्ब्रायोजेनेसिस इज एम्ब्रायो का फॉर्मेशन जाइगोट से। अब हमें पता है कि द मेल गेमीट एंड द फीमेल गेमीट, दे फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट, राइट? एक जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट इज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर, जाइगोट इज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर जो कि डिप्लॉयड होता है। अब इस जाइगोट में डेवलपमेंट होता है, इस जाइगोट में डेवलपमेंट होता है, और ये मल्टीपल सेल का एक बॉल बन जाता है, मल्टीपल सेल्ड एक बॉल बन जाता है, विच इज नोन एज एम्ब्रायो। ठीक है, आगे लिखो इसी में, ड्यूरिंग ड्यूरिंग दिस, या फिर ड्यूरिंग एम्ब्रायोजेनेसिस, ड्यूरिंग एम्ब्रायोजेनेसिस या ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, मैम ये सेक्सुअल का ही है ना? किसका? ये एम्ब्रायो फॉर्मेशन है। ये फर्स्ट चैप्टर का ही हम बोले कि एक छोटा सा सेगमेंट रह गया था, तो फर्स्ट चैप्टर में ही वो लिख लो, उसके बाद सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझ नहीं पा रहे हो क्या आप लोग? दिक्कत हो समझ रही गया है? मैम। नहीं मैम, समझ आ रहा है। ओके ठीक है, तो लिखो, ड्यूरिंग एम्ब्रायोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज, ड्यूरिंग एम्ब्रायोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज सेल डिविजन एंड सेल डिविजन, ब्रैकेट में लिखो माइटोसिस। ठीक है, मियोसिस सिर्फ गेमीट फॉर्मेशन के समय होता है, बाकी माइटोसिस होता है। इट अंडरगोज माइटोसिस, सेल डिविजन एंड सेल डिफरेंसिएशन, एंड सेल डिफरेंसिएशन। नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखना, नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखो, व्हाइल सेल डिविजन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सेल्स, व्हाइल सेल डिविजन इंक्रीजेस
the number of cells, while cell division increases the number of cells, comma, cell differentiation helps. Cell differentiation helps. Group of cells, cell differentiation help group of cells, cell differentiation help group of cells to undergo certain modifications. Ma'am, आप ये सब लिखा दी हैं शायद. लिखवाएं हैं प्रायोरिटी सिस्टम में. Yes, ma'am. Language थोड़ा different है, पर आप लिखवाएं. बस यही चीज लिखवाएं. Same चीज ही लिखवाएं. अच्छा ठीक है, तो एम्ब्रायोजेनेसिस पता है ना फिर. Yes, चलो इस सेंटेंस को बस कंप्लीट कर लो बस, ठीक है, वरना बीच में रह जाएगा ना. बस इस सेंटेंस को कंप्लीट कर लो. टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म tissues and organs. ठीक है, आई थॉट कि embryogenesis रह गया है, तो इसीलिए फिर हम दोबारा से इस वजह से आई स्टार्टेड डूइंग इट. तो चलो अगर हो गया है तो वेल एंड गुड. ठीक है, समझ में आ गया ना ये. बस इतना लिख लो कि क्यों होता है सेल डिविजन, क्यों होता है सेल डिफ्रेंसिएशन, क्यों होता है. इतना लिख चुके हो पहले तो वेल एंड गुड, सही है, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो वील स्टार्ट विथ चैप्टर टू देन. चैप्टर वन हमारा खत्म हुआ फिर. यस मैम. ठीक है ना. ओके चलो, सो वील स्टार्ट विथ चैप्टर टू देन. चैप्टर टू क्या है? चैप्टर टू इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स किसको बोलते हैं मैम? जो कि बाइसेक्स नहीं, जो कि पोलिन्स और मतलब पोलिन्स प्रोड्यूस करते हो. एंजियोस्पर्म्स किसको बोलते हैं? सीड, जिसमें सीड जो होता है वो नेकेड नहीं होता है. चलो ये ठीक है. फ्लावरिंग प्लांट्स को ही बोलते हैं. फ्लावरिंग प्लांट्स को ही एंजियोस्पर्म बोलते हैं. ठीक है, जिसमें की फ्लावर भी प्रोड्यूस होता है, फूड भी प्रोड्यूस होता है, सीड जो होता है वो नेकेड नहीं होता है. ठीक है, तो वील बी स्टडिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, यहाँ पर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है. राइट अबाउट प्रोफेसर पी महेश्वरी. प्रोफेसर पी महेश्वरी, वी विल स्टार्ट द चैप्टर विथ हिज नेम, प्रोफेसर पी महेश्वरी. ठीक है, प्रोफेसर पी महेश्वरी इज known as the father of plant embryology, father of Indian plant embryology. He was a scientist jinhone bahut sare kaam kiye. He worked on different plants and their embryos and he wrote a book on them. The name of the book is Introduction to Embryology of Angiosperm. So he is considered as the father of Indian plant embryology. Theek hai, P. Maheshwari. Chalo, let's move ahead. सबसे पहले लिखो यहाँ पे, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखो फ्लोरिकल्चर. व्हाट इज फ्लोरिकल्चर? फ्लोरिकल्चर के अंदर लिखो साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर्स. साइंस ऑफ कल्टीवेशन. मैम साइंस ऑफ मतलब इसको क्या बेचा जाता है? फ्लोरिकल्चर मतलब इट इज अ साइंस. बायोलॉजी के अंदर ही अलग अलग डिमार्केशन होते हैं, बायोलॉजी के अंदर ही फील्ड्स होते हैं अलग अलग. तो ये एक सब्जेक्ट है जिसमें हम पढ़ते हैं अबाउट कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, देयर ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग. ठीक है,
सो इट इज द साइंस ऑफ कल्टिवेशन ब्रीडिंग cultivation breeding and marketing of flowers floriculture kya hota hai floriculture is a science ek tarika hota hai it is a methodology it is a whole new branch in biology ek biology ka ek branch hota hai jiske andar sirf cultivation padhte hain plants ka फ्लावर्स का मेनली उनकी ब्रीडिंग पैटर्न पढ़ता है उनकी ब्रीडिंग हैबिट्स पढ़ते हैं और उन्हें मार्केटिंग करने का तरीका पढ़ते हैं लाइक उनके सेलिंग का प्रोसीजर्स पढ़ते हैं तो फ्लोरिकल्चर इज साइंस ऑफ कल्टीवेशन ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर्स चलो ठीक है सो वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर बाय ड्रॉइंग ये दो पॉइंट्स लिख लिए ना वी विल स्टार्ट बाय ड्रॉइंग अ डायग्राम हियर साथ साथ बनाते जाना ओके okay? साथ साथ बनाते जाना ठीक है अपर पार्ट को हम इसका नाम भी लिखवाएंगे यार हाँ हाँ लिखवाएंगे ना लेबलिंग करवाएंगे फ्लावर बना रहे हैं ठीक है उसके बाद लिखवाएंगे सब कुछ अभी पहले बनाओगे ठीक है ड्रॉ इट ये बनाओ ये डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल फ्लावर एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है ये ठीक है चलो लेबलिंग करें यस मैम यस चलो ठीक है ये कौन सा स्ट्रक्चर है ग्रीन पार्ट जो है ये कौन सा स्ट्रक्चर है मैम कोरल सेपल सेपल है ये ठीक है जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हो दिस इज द सेपल कैलिक्स कैलिक्स जिसको बोलते हैं ठीक है ये सेपल है जिसपे ये सारे फ्लावर के पार्ट अरेन्ज है इसको क्या बोलते हैं मैम कोरोला फिलामेंट थैलेमस और थैलेमस ओ अच्छा थैलेमस कोरोला आएगा ऐसा नहीं है कोरोला नहीं आएगा कोरोला किसको बोलते हैं बताएंगे बताएंगे पेटल्स को बोलते हैं कोरोला ओके ये क्या है पेटल्स ठीक है पेटल्स हाँ पेटल ये हुआ आपका पेटल ओके थैलेमस को रिसेप्टिकल भी बोला जाता है ठीक है ये कौन सा स्ट्रक्चर है ये क्या है बताओ एंथर एंथर है यस मैम
मैम आप रिसेप्टेबल लिखे हैं ओ अच्छा रिसेप्टिकल होता है रिसेप्टिकल रिसेप्टिकल रिसेप्टेबल नहीं रिसेप्टिकल ठीक है इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे ओवरी फिलामेंट फिलामेंट अच्छा ये हाँ हाँ ये सॉरी फिलामेंट ठीक है दिस इज फिलामेंट ओके ये फिलामेंट है एंथर और फिलामेंट मिल करके स्टेमेन बनाते हैं ठीक है एंथर और फिलामेंट मिल करके स्टेमेन का फॉर्मेशन करते हैं ओके अब इस ओवरी के अंदर अगर आप देखोगे इस स्ट्रक्चर के अंदर फीमेल स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखोगे तो यू विल सी समथिंग लाइक दिस ठीक है हम रफ डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पे इस तरह से लाइंस रहेंगे एंड देयर विल बी दीज राउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हियर ठीक है ऐसा कुछ नजर आएगा तो दीज राउंड स्ट्रक्चर्स दैट वी सी आर ओव्यूल ओव्यूल ठीक है राउंड स्ट्रक्चर्स दैट वी सी आर ओव्यूल ठीक है मैम ये एग भी होता है ना यही एग होता है हाँ हाँ यही एग होता है ओव्यूल ठीक है और जो बीच में आप सेंट्रल लाइन देख रहे हो ना थिकनिंग देख रहे हो जिससे ओव्यूल अटैच्ड है दैट इज नोन एज प्लेसेंटा ठीक है ओव्यूल हुआ प्लेसेंटा हुआ दिस स्ट्रक्चर दिस बल्जिंग स्ट्रक्चर इज द ओवरी ठीक है इस स्ट्रक्चर को ये जो बल्जिंग स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज द ओवरी ओवरी के ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है द थिन फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर दिस इज नोन एज स्टाइल स्टाइल हाँ ठीक है स्टाइल और सबसे ऊपर का जो पार्ट है दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टिग्मा गाइनोसियम नहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को गाइनोशियम बोलते हैं ठीक है स्टाइल एंड स्टिग्मा ओके अब स्टाइल स्टिग्मा प्लस ओवरी इज स्टाइल स्टिग्मा पेटल नहीं रुक जाओ यार पिस्टल पिस्टल यस दैट कैन बी नोन एज पिस्टल और कार्पल कितने बार कितने स्ट्रक्चर्स को पेटल बना चुकी हो आज तुम दीक्षा मैम वो ना मुंह से गलत गलत निकल रहा है पता नहीं कोई बात नहीं तो फिर थोड़ा सा थम जाओ ठीक है फिर सुन लो बात को okay so style stigma and ovary they together form pistil or carpel style stigma or ovary ko saath mein hum log bolte hain pistil or carpel anther or filament ko hum log kya bolte hain ek saath stamen bolte hain theek hai and this structure jahan se ki flower hamara branch se attached hai isko bolte hain pedicel theek hai chalo copy karo isko कॉपी करो इस स्ट्रक्चर को ठीक है हो गया मैम हो गया मैम दो मिनट स्क्रीनशॉट मारे पुष्कर मैम पूरा बना लिया लेडिंग ओह अच्छा नाइस नाइस चलो बाकी लोग लिख लो हो गया मैम हो गया सभी का हो गया Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, चलो चलो let's begin. सबसे पहले लिखो flower is a modified shoot. Next point में लिखो flower is a modified shoot. Flower is a modified shoot. ठीक है अब इसके अंदर लिखो फ्लावर हैज अ स्टॉक कॉल्ड पेडिसिल फ्लावर हैज अ स्टॉक फ्लावर हैज अ स्टॉक कॉल्ड पेडिसिल फ्लावर हैज अ स्टॉक कॉल्ड पेडिसिल फ्री एंड्स ऑफ द पेडिसिल इज फ्लैटेंड free end of the pedicel free end
of the pedicel is flattened. ठीक है, flattened to form thalamus. Flattened to form thalamus. Okay, it is flattened to form thalamus. The thalamus is a type of modified stem, is a type of thalamus, is a type of modified stem, is a type of modified stem on which nodes and internodes are present, on which nodes and internodes are present. Likho is cheez, is baat ko. Likh liya. Okay. Next likho. Isi mein likho, isi mein aage likho. Nodes are present very close to each other. Nodes are present very close to each other therefore the internodes are highly reduced. Therefore, the internodes are highly reduced. Therefore, the internodes are highly reduced. हम मतलब क्या हुआ इसका? हाँ, हम पूरा समझाएंगे अभी. ठीक है. Therefore, the internodes are highly reduced. The four nodes that are present on thalamus. The four nodes that are present on thalamus. The four nodes that are present on thalamus are the four nodes that are present on thalamus bear. Calyx, corolla, androecium, and gynoecium. ठीक है. Therefore, flowers are modified shoot. आजकल एग्जामिनेशन में बहुत आने लगा है, एक स्टेटमेंट कहीं से भी उठाकर दे देगा एनसीईआरटी का और लिखा रहेगा एक्सप्लेन. तो अगर इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने आता है कि फ्लावर्स आर मॉडिफाइड शूट, अब इसका मतलब समझते हैं. ठीक है मैम, एंड्रोशियम के बाद क्या लिखा है? Gynoecium, androecium and gynoecium. Therefore, flowers are modified shoots. ठीक है, देखो अब क्या लिखा हुआ है. Flower has a stalk called pedicel. Free end of the pedicel is attached to form thalamus. Okay, चलो देखो. Let's say ये एक stem है. ठीक है, मान लो ये एक स्टेम है. इस स्टेम पे फ्लावर ग्रो करेगा.
ठीक है, इस स्टेम पे एक्चुअली एक्सिलरी बड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्टेम पे जगह जगह पे एक्सिलरी बड्स प्रेजेंट होते हैं, नोड्स पे एक्सिलरी बड प्रेजेंट होते हैं. एक्सिलरी बड का क्या काम, एक्सिलरी बड का क्या काम होता है, एक्सिलरी बड कैन बेसिकली ग्रो इन टू एनी थिंग. एक्सिलरी बड जो है वो स्टेम बना सकते हैं, वो लीफ बना सकते हैं, वो फ्लावर बना सकते हैं, वो कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है. तो मान लो कि हमारा जो एक्सिलरी बड है उसके वजह से फ्लावर बन रहा है, ठीक है. तो इस एक्सिलरी बड पे जो फॉर्मेशन होगा, दिस विल बी नोन एज पेडिसल. एक पेडिसल का फॉर्मेशन हुआ एक्सिलरी बड पे, एक पेडिसल का फॉर्मेशन हुआ. पेडिसल क्या होता है, पेडिसल इज द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट कनेक्ट्स द फ्लावर टू द स्टेम, ठीक है. तो यहाँ पे एक पेडिसल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे थैलेमस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे थैलेमस का फॉर्मेशन हो रहा है. थैलेमस के ऊपर में चार नोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, थैलेमस के ऊपर में चार नोड्स प्रेजेंट होते हैं. द लोअर मोस्ट नोड इज नोन एज, लोअर मोस्ट नोड इज नोन एज कैलिक्स, ठीक है, लोअर मोस्ट नोड इज नोन एज कैलिक्स. सबसे नीचे जो नोड प्रेजेंट होगा, हर नोड पे कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ठीक है, हर नोड पे कोई ना कोई स्ट्रक्चर ग्रो होगा. तो सबसे लोअर मोस्ट नोड जो होता है वो होता है कैलिक्स. कैलिक्स किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल्स को कैलिक्स बोलते हैं. तो कैलिक्स के अंदर हर इंडिविजुअल यूनिट को हम सेपल बोलेंगे, हर यूनिट को हम सेपल बोलेंगे कैलिक्स के अंदर. उसके ऊपर जो नोड प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर जो नोड प्रेजेंट होता है उसमें प्रेजेंट होता है हमारा कोरोला, ठीक है. कोरोला क्या है, नंबर ऑफ पेटल्स, ठीक है, डिफरेंट पेटल्स अरेंज्ड ऑन द थैलेमस इज नोन एज कोरोला. एक सिंगल यूनिट को हम पेटल बोलेंगे और ग्रुप ऑफ पेटल्स को कोरोला बोलेंगे, ठीक है. पेटल्स के ऊपर आता है गाइनोशियम, ठीक है, द थर्ड नोड इज कंटेनिंग गाइनोशियम. गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. और सबसे ऊपर वाला नोड जो होता है वो होता है हमारा एंड्रोशियम, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है. ये चार नोड्स प्रेजेंट होते हैं थैलेमस के ऊपर. तो सबसे लोअर मोस्ट नोड जो है, सबसे लोअर मोस्ट नोड जो है उससे अराइज होगा क्या, सेपल अराइज होगा लोअर मोस्ट नोड से. उसके ऊपर वाले नोड से क्या अराइज होगा, उसके ऊपर वाले नोड से पेटल अराइज होगा. ये जस्ट हम रफली बना रहे हैं यहाँ पे, पेटल अराइज होगा. उसके ऊपर वाले नोड से अराइज होता है गाइनोशियम, ठीक है, गाइनोशियम. और सबसे ऊपर जो नोड प्रेजेंट है उससे अराइज होता है हमारा एंड्रोशियम. मैम आप यहाँ नोड किसको कह रही है, नोड ऐसे आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि नोड्स और इंटरनोड समझते हो ना. देखो एक स्टेम है अगर, तो जिस पार्ट से कोई न्यू ऑर्गन ग्रो हो सकता है, जहां पे मेरिस्टमैटिक टिश्यूज प्रेजेंट है, ठीक है, जहां पे मेरिस्टमैटिक टिश्यूज प्रेजेंट है, जहां से कोई एक न्यू स्ट्रक्चर ग्रो हो सकता है, उसको हम बोलते हैं नोड. ओके, उसको हम बोलते हैं नोड. और दो नोड के बीच का जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनोड, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटरनोड. यहाँ पर इस थैलेमस के ऊपर में, इस थैलेमस के ऊपर में चार नोड्स प्रेजेंट होता है, पर ये नोड्स इतने क्लोजली अरेंज्ड होता है कि इंटरनोड्स लगभग ना के बराबर नजर आता है. देखो यहाँ पे लिखे हैं, मैं आप तो बोल स्टेम के ऊपर होता है नोड, स्टेम के ऊपर नोड होता है, बट ये लिखवाए हैं ना कि थैलेमस इज, कहाँ लिखवाए हैं, थैलेमस इज अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड स्टेम. थैलेमस क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है. तो थैलेमस इज अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड स्टेम, तो उसके ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट हो सकता है. थैलेमस इज अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड स्टेम जिसके ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होगा, क्योंकि स्टेम के ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होता है. पर यहाँ पर नोड्स और इंटरनोड्स जो है, नोड्स इतने पास प्रेजेंट है कि इंटरनोड देखो ऑलमोस्ट रिड्यूस्ड है, इंटरनोड ना के बराबर नजर आता है, ठीक है. ये लिखवाए हैं, द नोड्स आर प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर, देयरफॉर द इंटरनोड्स आर हाईली रिड्यूस्ड. द फोर नोड्स दैट आर प्रेजेंट ऑन थैलेमस, सबसे नीचे वाले नोड पे बनता है हमारा कैलिक्स, दैट इज ग्रुप ऑफ सेपल्स, ठीक है.
उसके ऊपर बनता है कोरोला, मतलब ग्रुप ऑफ पेटल्स, उसके ऊपर बनता है एंड्रोशियम, और उसके ऊपर बनता है गाइनोशियम, और सबसे ऊपर बनता है एंड्रोशियम, ठीक है, गाइनोशियम एंड देन एंड्रोशियम। तो चारों नोड्स जो है ना, चारों नोड्स पे अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं, पर थैलेमस जो है इसपे नोड्स के बीच में डिस्टेंस इतना कम है कि इंटर नोड लगभग ना के बराबर नजर आता है। समझ में आ रहा है ये बात? मैम आप एंड्रोशियम के आगे मेल या फीमेल क्यों लिखे हैं? एंड्रोशियम का मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और गाइनोशियम का मतलब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, इसलिए मेल और फीमेल लिखा था, ठीक है। एंड्रोशियम होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड गाइनोशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये नोड और इंटर नोड वाला बात समझ में आया? इसीलिए फ्लावर को मॉडिफाइड शूट बोलते हैं, किसी भी चीज में मॉडिफिकेशन हो जाना, किसी भी चीज में चेंजेस आ जाना, तो उसको बोलेंगे मॉडिफाइड स्ट्रक्चर। तो फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है। फ्लावर वॉज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, फ्लावर तो स्टेम का स्ट्रक्चर होता है, बट क्योंकि वो स्टेम के मॉडिफिकेशन से बन रहा है, स्टेम के मॉडिफिकेशन से थैलेमस बना, थैलेमस के ऊपर नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट है जिससे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम डेवलप हो रहा है, देयरफॉर फ्लावर इज नोन एज अ मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है। इसलिए फ्लावर को मॉडिफाइड स्टेम या फिर मॉडिफाइड शूट बोलते हैं, क्योंकि ये स्टेम या फिर शूट के मॉडिफिकेशन से बन रहा है। समझ रहे हो इस बात को? मैम एक बार फर्स्ट वाला पैराग्राफ बताइए ना। हाँ समझाते हैं, ये वाला पार्ट। फ्लावर हैज अ स्टॉक कॉल्ड पेडिसल, फ्लावर में एक स्टॉक प्रेजेंट होता है जिसको पेडिसल बोलते हैं, ठीक है। ये स्टॉक, लेट्स से ये आपका ब्रांच है, तो यहाँ पे एक स्टॉक प्रेजेंट होगा जिसको कि पेडिसल बोलेंगे, ठीक है, जिससे कि आपका फ्लावर जो है वो स्टेम से अटैच्ड है। द फ्री एंड ऑफ द पेडिसल इज फ्लैटेंड, अब पेडिसल का जो फ्री एंड है वो फ्लैट हो जाएगा टू फॉर्म अ थैलेमस, ठीक है, फ्लैट हो जाएगा to form a thalamus, okay? Thalamus क्या है? Thalamus pedicel से बना है, pedicel कहाँ से बना है? Pedicel stem से बना है, stem के elongation से pedicel बना है, ठीक है? Axillary bud present था stem पे, उसके elongation से pedicel बना है, pedicel से thalamus बना है, तो thalamus indirectly क्या है? Thalamus stem है ना? Stem grow किया, pedicel बना, pedicel flat हो गया आगे के तरफ में, तो thalamus बन गया। तो थैलेमस क्या है? एक तरह का मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है। अब इस मॉडिफाइड स्टेम के ऊपर चार नोड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इस मॉडिफाइड स्टेम के ऊपर चार नोड्स प्रेजेंट होते हैं, पर ये नोड्स इतने पास पास प्रेजेंट होते हैं कि इंटर नोड्स लगभग ना के बराबर प्रेजेंट होता है। समझ रहे हो? कोई दिक्कत समझ में आ रहा है तो बताओ प्लीज। यस मैम। समझ में आ रहा है? चार नोड्स है, अब इनके बीच में स्पेसेस देखो ना के बराबर प्रेजेंट है, ना के बराबर है, तो इट इज अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड स्टेम ऑन विच नोड्स एंड इंटर नोड्स आर प्रेजेंट, बट द नोड्स आर सो क्लोज टू ईच अदर दैट द इंटर नोड्स आर हाईली रिड्यूस्ड। अब अगर दो नोड के बीच में स्पेस बिल्कुल कम रहेगा तो इंटर नोड नजर आएगा क्या? नहीं नजर आएगा। तो इंटर नोड ना के बराबर नजर आता है, और इन चारों नोड स्पेस से हर एक एक स्ट्रक्चर ग्रो करता है। जैसे सबसे लोअर मोस्ट नोड जो है उससे ग्रो करेगा सेपल्स, ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स, उसके ऊपर वाले नोड से ग्रो करेगा पेटल्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज नोन एज कोरोला, उसके ऊपर लाए करता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और उसके ऊपर लाए करता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नोड नोड ऐसे लाइक करता है, ठीक है, एक के ऊपर एक नोड रहता है, पर ये नोड्स के बीच में इतना कम स्पेस है कि इंटर नोड लगभग ना के बराबर प्रेजेंट होता, नजर भी नहीं आता इंटर नोड, ठीक है। समझ रहे हो? यस मैम। समझ रहे हो ना? यस मैम। ओके, तो इस वजह से फ्लावर जो है वो मॉडिफाइड शूट है, क्यों? क्योंकि वो स्टेम के मॉडिफिकेशन से बन रहा है, ठीक है, इसलिए फ्लावर को क्या बोलते हैं? इट इज अ मॉडिफाइड शूट। इज दैट क्लियर? समझ में आया? यस मैम। आगे बढ़े।
यस मैम। पक्का ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को? नो मैम। ओके चलो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं, सो वी विल बी स्टार्टिंग विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थोड़ा बहुत बेसिक कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स है, क्योंकि आप लोग मॉर्फोलॉजी पढ़े हुए काफी टाइम हो गया, जो लोग अभी रिवाइज किए हैं उनके उनको तो थोड़ा बहुत ध्यान में होगा, पर जो लोग को पढ़े हुए काफी टाइम हो गया, थोड़ा बहुत जानकारी के लिए जान लो कि सबसे पहले लिखो मोनोकार्पिक प्लांट, मोनोकार्पिक प्लांट, ये सब बस डेफिनेशंस है अभी। मोनोकार्पिक प्लांट, द प्लांट इन विच flowering and fruiting takes place The plants in which flowering and fruiting takes place, only once in the whole lifespan. मतलब पूरी जिंदगी में इनमें एक ही बार फ्लावर और फ्रूट आता है, दैट इज नोन एज मोनोकार्पिक प्लांट। ओके, मोनोकार्पिक प्लांट, ओके ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? एनुअल प्लांट्स, जो कि लाइफ टाइम में एक बार फ्लावरिंग या फ्रूटिंग करने के बाद डेड डाय। एग्जाम्पल इज एनुअल प्लांट्स। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने के बाद दे डाय, डेथ हो जाता है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने के बाद। अच्छा, ऐसे क्यों होता है? वंस इन देयर लाइफ स्पैन। क्या कह रहे हो? ऐसा क्यों होता है, डेथ क्यों हो जाता है उनका? बिकॉज दे आर मोनोकार्पिक प्लांट, उनका लाइफ स्टाइल ही वही है, मतलब उनको एक ही बार, जैसे सैल्मन फिशेस होती है ना, सैल्मन फिशेस वो लाइफ टाइम में एक ही बार ब्रीड करती है, आफ्टर दैट दे डाय। तो वैसे ही मोनोकार्पिक प्लांट्स में होता है, दे ब्रीड ओनली वंस एंड आफ्टर दैट उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। मतलब एक ही उनके पास कार्पल रहता है ना? नहीं नहीं, एक ही कार्पल नहीं होता है, दे जस्ट फ्लावर वंस इन द लाइफ स्पैन, एक बार वो फ्लावरिंग करेंगी और एक बार ये वो फ्रूटिंग करेंगी और उसके बाद फिर दे डाई। ठीक है, मोनोकार्पिलरी और बाइकार्पिलरी डिफरेंट थिंग है। ठीक है, कार्पिक और कार्पिलरी में डिफरेंट है, डिफरेंस है। कार्पिलरी नहीं बोल रहे हैं, कार्पिक लिख रहे हैं आप पे। ठीक है, क्या होता है मोनोकार्पिक का? मतलब होता है ऐसे प्लांट जो कि अपने पूरे लाइफ स्पैन में एक ही बार फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद उनका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है एंड दे डाई ऑफ। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। पॉलीकार्पिक, पॉलीकार्पिक, पॉली मीन्स मेनी टाइम्स, तो पॉलीकार्पिक प्लांट का डेफिनेशन लिखो। पॉलीकार्पिक प्लांट में लिखो the plants in which flowering and fruiting takes place कितने बार? बहुत बार। takes place multiple times in the whole lifespan. एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है यहाँ पे पेरिनियल प्लांट्स। पेरिनियल प्लांट, यस करेक्ट, पेरिनियल प्लांट्स।
एग्जाम्पल होता है हमारे पास पेरिनियल प्लांट्स, दे कीप ऑन फ्लावरिंग. जैसे आम के पेड़ को देखो, दे कीप ऑन फ्लावरिंग अगेन एंड अगेन. हर ऑल्टरनेट ईयर पे या फिर हर साल आप देखोगे उनमें फ्रूट्स नजर आता है. ऑल्टरनेट ईयर पे मोस्टली प्लांट्स में देखा जाता है मैंगो ट्री में. पर ऐसा तो नहीं है कि एक बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हुआ उसके बाद फिर प्लांट्स की डेथ हो जाती है, ऐसा नहीं होता. सो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दैट वी सी अराउंड अस आर पेरिनियल. उनमें बहुत बार फ्लावरिंग होता है, बहुत बार फ्रूटिंग होता है बिफोर दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल. ठीक है मैम, मोनोकार्पिक के एग्जांपल. मोनोकार्पिक का एग्जांपल बैम्बू ट्री हां, वंस इन देयर लाइफ टाइम 12 इयर्स में एक बार होता है. नीला कुरुंजी अच्छा, नीला कुरुंजी 12 इयर्स में एक बार होता है ना, 12 साल में एक बार तो नीला कुरुंजी होता है. यस मैम, उसके 12 साल का होता है. एनुअल प्लांट होता है, मतलब हर एक साल होता है, हर एक साल होने के बाद ये मर जाता है, मतलब एक साल होता है और मर जाता है. नहीं, लाइफ टाइम में एक बार ब्रीड करता है, फ्लावर प्रोड्यूस करता है, उसके बाद डेथ हो जाता है. ठीक है, एनुअल प्लांट में मोनोकार्पिक तो वही बोल रहे हैं कि एक ही बार होता है, सिर्फ एक ही सीजन में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रहा है. ठीक है, सिर्फ एक ही बार उनमें फ्लावरिंग या फ्रूटिंग हो रहा है. ठीक है, मैंगो ट्री में कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक साल होता है फिर नेक्स्ट ईयर नहीं होता है. हाँ 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 हाँ, ऐसा होता है, बट फिर से तो होता है ना, फिर से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होता मतलब है. मतलब ये भी पॉलीकार्पिक का ही सिचुएशन हुआ ना. हाँ हाँ, अभी तो बता रहे थे मैंगो ट्री के बारे में. ठीक है, यस मैम. ठीक है, तो एनुअल प्लांट में यू कैन राइट इट, मोनोकार्पिक का एग्जाम्पल आप लिख सकते हो बैम्बू ट्री. मोनोकार्पिक का एग्जाम्पल आप बैम्बू लिख सकते हो. ठीक है, एक और होता है सेंचुरी प्लांट बोलते हैं एक. आई डोंट हैव द डायग्राम हियर. सेंचुरी प्लांट, इट ग्रोज वंस इन मेनी इयर्स, सेंचुरी प्लांट बोला जाता है. तो एनुअल का एग्जांपल इज बैम्बू ट्री, सेंचुरी प्लांट. पेरिनियल का एग्जांपल देखें तो बहुत सारे होते हैं. पेरिनियल में बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं. साइकस और पाइनस में से कौन सा आता है पेरिनियल वाले में? कैक्टस और पाइनस एंजियोस्पर्म में. कैक्टस नहीं, काइकस. साइकस और पाइनस जो है वो एंजियोस्पर्म नहीं है. हम उन दोनों में से भी अच्छा. ठीक है, हम लोग यहाँ एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं. साइकस पाइनस जिम्नोस्पर्म्स है. ओके ठीक है. हाँ, तो मोनोकार्पिक प्लांट का कुछ यूज नहीं होता होगा. मोनोकार्पिक प्लांट का जो यूज होता है उनके लाइफ स्पैन में ही हो जाता है. बैम्बू ट्री से हम लोग बैम्बूज को कट करके निकालते हैं ना. बैम्बूज आर यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क एंड ऑल. तो जो कुछ भी काम होता है वो उनके लाइफ साइकिल में हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. बैम्बू इज यूज्ड फॉर मेकिंग केन बनाने के काम आता है. उसके अलावा पेंसिल वगैरह बनाने के काम आता है बैम्बू ट्री. और ये सेंचुरी प्लांट मैम, ये किस में आता है? सेंचुरी प्लांट के बारे में एग्जैक्टली हमको नहीं पता कि सेंचुरी प्लांट का काम क्या होता है. ठीक है, गूगल करना एग्जैक्ट यूजेस क्या है सेंचुरी प्लांट्स का. बैम्बू ट्री कितने साल में एक बार फ्लावरिंग करने करता है? इट ग्रोज, इट फ्लावर्स वंस इन 50 to 100 इयर्स. बैम्बू प्लांट विल फ्लावर वंस इन 50 to 100 इयर्स एंड देयर आफ्टर इट विल डाई. मैंगो का लाइफ स्पैन आपको ऑलरेडी पता है. ठीक है, मैंगो का लाइफ स्पैन पता है ना? पता है ना मैंगो का लाइफ स्पैन? हेलो मैम, एक बार बता दीजिए, बोल गए. अच्छा, हमको खुद चेक करना पड़ेगा. आई थॉट तुम लोग याद रखे हुए होगे. हम देख लेंगे थोड़ी देर. रुक जाओ. हाँ, तुम ही लोग देख लेना प्लीज, क्योंकि हमको 100 से 200 साल. ओके चलो ठीक है. नेक्स्ट इज स्ट्रोबिलस कुंतियाना. स्ट्रोबिलस कुंतियाना को पहचान रहे हो? क्या नाम है इसका? नहीं. नीला कुरुंजी.
नीला कुरंजी का एक स्पेशलिटी होता है, दे ग्रो वंस इन 12 इयर्स, दे ग्रो वंस इन 12 इयर्स, दे ग्रो वंस इन 12 इयर्स, ठीक है। तो लास्ट टाइम इसका फ्लावरिंग कब देखा गया था, एंड व्हेन डू दे ग्रो, इनका ग्रोइंग सीजन क्या होता है, दैट इज बिगिनिंग ऑफ विंटर, सितंबर से अक्टूबर के बीच में इनका ग्रोइंग सीजन देखा जाता है, एंड 2006 के बाद 2018 में देखा गया था फ्लावरिंग। तो नेक्स्ट आप 12 साल बाद कैलकुलेट कर लो। नाउ व्हाई इज इट नोन एज नीला कुरंजी, ठीक है, नीला कुरंजी क्यों बोला जाता है, बिकॉज वी हैव हिल्स, हिल्स प्रेजेंट है कहाँ पे, केरल कर्नाटका तमिलनाडु के जो हिल्स है ना, केरल कर्नाटका और तमिलनाडु के जो हिल्स हैं, उन हिल्स पे ये पाए जाते हैं नीला कुरंजी। दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी एंड स्ट्रोबिलिस कुंथियाना हैज बीन अ क्वेश्चन। तो केरल कर्नाटका और तमिलनाडु के हिल्स पे ये ग्रो करते हैं, दीज हिल्स आर नोन एज नीलगिरी। अब नीलगिरी का नाम ही पड़ा है स्ट्रोबिलिस कुंथियाना के वजह से, क्योंकि जब इनका फ्लावरिंग सीजन होता है 12 साल में, जब ये एक बार ग्रो करते हैं, तो पूरा का पूरा फील्ड जो है, पूरा का पूरा जो हिली ट्रैक्ट है, वो नीला हो जाता है। व्हाई? बिकॉज दिस फ्लावर इज ब्लू इन कलर, ये जो फ्लावर होता है ब्लू होता है कलर में, और पूरे के पूरे हिली ट्रैक्ट को ये कवर कर देता है। So they are known as नीला कुरुंजी, फ्लावर का नाम है नीला कुरुंजी, साइंटिफिक नेम इज स्ट्रोबिलिस कुंथियाना, तो कुंथियाना में के स्मॉल होना चाहिए, स्ट्रोबिलिस कुंथियाना, एंड दे ग्रो कहाँ पे, केरल कर्नाटका तमिलनाडु नीलगिरी हिल्स पे ग्रो करते हैं, एंड दैट इज हाउ द नीलगिरी हिल्स हैव गॉट देयर नेम। ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग शो करते हैं, सो 2006 के बाद 2018 में हुआ होगा फ्लावरिंग, एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट 2013 में। तो फिर ये तो मैम ये ना हो गया मैम, मोनोकार्पिक ना हुआ, पॉलीकार्पिक में तो हमेशा मतलब हर एक साल होता है ना फ्लावरिंग। पॉलीकार्पिक में हर एक साल फ्लावरिंग होता है मैं ऐसा नहीं लिखे है मैम, लेकिन मैंने टाइम्स मल्टीपल टाइम्स, हाँ मल्टीपल टाइम्स फ्लावरिंग होता है। स्ट्रोबिलिस कुंथियाना एक बार ग्रो करते हैं 12 इयर्स में, दे फ्लावर एंड दे डाई, ठीक है, फिर दूसरे स्ट्रोबिलिस कुंथियाना ग्रो करते हैं, 12 साल लगता है उनको ग्रो करने में, देन दे फ्लावर एंड दे डाई, फिर न्यू सेट ऑफ स्ट्रोबिलिस कुंथियाना ग्रो करते हैं, इट टेक्स 12 इयर्स फॉर देम टू ग्रो एंड टू फ्लावर एंड देन दे डाई, ऐसे चलता है। तो ये किसका एग्जांपल है? तो ये मोनोकार्पिक हुआ ना। हाँ तो मैम ऐसे बोली है ना, हमको लगा पॉलीकार्पिक में आप लिख रहे हैं इसको। नहीं मोनोकार्पिक है ये, ठीक है मोनोकार्पिक है ये, ये 12 साल में एक बार ग्रो करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है, सो दिस इज मोनोकार्पिक। ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बैम्बू दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और स्ट्रोबिलिस कुंथियाना दिया हुआ है नील कुरुंजी, तो ये दोनों याद रखना। मैम ये बस यही मिलता है नीलगिरी हिल्स पे? हाँ यहीं पे बस मिलता है, ये बस यहीं पे मिलता है, ठीक है। चलो सो वी विल स्टार्ट विद मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड। अब वर्ल्ड लिखने दीजिए ना। हाँ ठीक है लिख लो पहले। मैम ये मॉर्फोलॉजिकली ये दूसरे फ्लावर से भी मैच खाता है ना, बहुत से फ्लावर से? क्या नील कुरुंजी? हाँ ये तो पर्पल कलर का होता है। हाँ करता होगा मॉर्फोलॉजिकली दूसरे फ्लावर से भी, कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी होता ही होगा। पर्पल कलर का अगर सिर्फ देखना है तो पर्पल कलर के तो बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, पर्पल फ्लावर्स तो बहुत सारे होते हैं। दिस इज अ डिफरेंट, दिस इज अ टोटल डिफरेंट स्पीशी, ये अलग स्पीशी है, ठीक है।
वर्ल का मतलब क्या होता है? मेडिसिन बनाए जाते हैं, मेडिसिन। स्ट्रॉबिलिस कुंटियाना का नो आइडिया, नहीं पता मेडिसिन बनता है या नहीं। ठीक है, ये जस्ट एक टूरिस्ट स्पॉट हो जाता है, लाइक नीलगिरी हिल्स जो है उस समय पे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट की तरह एक्ट करता है, तो दिस इज अ टूरिस्ट स्पॉट। नीलगिरी हिल्स आर नोन फॉर इट्स स्पाइसेस, यहाँ पे बहुत सारे स्पाइसेस ग्रो करते हैं। नीलगिरी हिल्स आर नोन फॉर इट्स टी एंड कॉफी, ठीक है, तो ये सब ग्रो करता है। बट स्ट्रॉबिलिस कुंटियाना से एग्जैक्टली कौन सा मेडिसिन ग्रो होता है, क्या निकलता है, दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ। और अगर एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है तो आई एम वेरी श्योर कि आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, चलो, वर्ल क्या होता है, वर्ल क्या होता है? घुमावदार। घुमावदार, ओके। और वर्ल का मतलब ग्रुप। ग्रुप, अगर नॉर्मल टर्म्स में हम बात करें तो वर्ल का मतलब होता है ग्रुप। ग्रुप ऑफ पेटल्स कौन सा वर्ल फॉर्म करते हैं? कैलिक्स। ग्रुप ऑफ पेटल्स कौन सा वर्ल फॉर्म करते हैं? कोरोला। कोरोला, सॉरी, ग्रुप ऑफ पेटल्स फॉर्म कोरोला। ठीक है, ग्रुप ऑफ पेटल्स क्या फॉर्म करते हैं? कोरोला। ग्रुप ऑफ सेपल्स क्या फॉर्म करता है? कैलिक्स। ग्रुप ऑफ सेपल्स जो है वो कैलिक्स फॉर्म करता है। तो दिस चैप्टर इज बेसिकली फोकस्ड ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? ये चैप्टर जो है मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे फोकस्ड है। और कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं ये एक्सेसरी पार्ट्स होते हैं, एक्सेसरी पार्ट्स होते हैं। जैसे एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं ना बॉडी में, इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देयर आर एक्सेसरी ग्लैंड्स, वैसे ही ये एक्सेसरी पार्ट्स होते हैं। इनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है इन रिप्रोडक्शन, ओके? इनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है, पर ये क्या काम करते हैं? कैलिक्स जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्लावर को, और जब फ्लावर बड स्टेज में होता है तो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्लोज करके रखता है कैलिक्स। एंड एज द फ्लावर ओपन्स, एज द बड ग्रोज द फ्लावर ओपन्स, ठीक है। कोरोला क्या काम करता है? कोरोला का फंक्शन होता है, कोरोला प्रोड्यूसेस सेंट, ठीक है। एंड कोरोला जो है वो अलग अलग कलर्स का होता है, पेटल्स अलग अलग कलर्स का होता है। तो कोरोला का मेन फंक्शन होता है अट्रैक्ट करना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को, जैसे बी को या फिर किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। क्यों अट्रैक्ट करता है कोरोला? पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो दिस इज योर कैलिक्स एंड कोरोला। टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्टिव वर्ल्स, वी फर्स्ट टॉक अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड, ठीक है। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड से। वहां लिखना हो गया ना कुछ? लिख तो नहीं रहे थे? नो मैम, हो गया। कुछ कह रहे हो? अच्छा, मैम कैलिक्स क्या बोले? प्रोटेक्शन ऑफ। कैलिक्स का काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर एंड बड स्टेज, एक्चुअली प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर इन बड स्टेज, ठीक है। मैम कैसे प्रोटेक्ट करता है वो? बता रहे ये कैलिक्स रहता है, पहले किसी कली को देखोगे, बड मतलब क्या होता है? बड मतलब होता है कली। तो पहले किसी कली को देखोगे तो वो कली ऐसा नजर आता है ना? ये एक्चुअली में कैलिक्स रहता है जिसके अंदर बड प्रेजेंट है। बड अभी मैच्योर नहीं हुआ है, वो बाहर सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए कैलिक्स उसको कवर करके रखता है। धीरे धीरे कैलिक्स ओपन होता है, ठीक है, धीरे धीरे कैलिक्स ओपन होता है और कैलिक्स के अंदर से बड निकलता है, ठीक है। तो इनिशियली कैलिक्स जो था वो बड को कवर करके रखे हुए था, फिर ये कली खिलता है तो कैलिक्स के बाहर फ्लावर्स निकलते हैं, ठीक है, समझ रहे हो? यस मैम। तो कैलिक्स जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फ्लावर के स्टेज में ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, होल्ड करके रखता है पेटल्स को।
और इनिशियल स्टेज में जब क्योंकि अगर पेटल्स को देखो तो पेटल्स बहुत मुलायम होते हैं, सेपल्स उतने मुलायम नहीं होते हैं, सेपल्स आर अ बिट टफ. अगर छू करके देखो तो पेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, उसको आप इजिली तोड़ दोगे. सेपल्स को अगर आप तोड़ने की कोशिश करो तो कंपैरेटिवली हार्ड होता है पेटल्स से. तो सेपल्स क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. पेटल्स क्या होता है? पेटल्स जो है इट नीड्स प्रोटेक्शन. डन स्वाति? ओके चलो, सो वी विल स्टार्ट विथ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके लेट्स बिगिन. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज, अब पूरा रिप्रोडक्टिव हम नहीं लिख रहे हैं तो हम रिप्रो लिख रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग ये मैनेज कर लेना, आप लोग पूरा लिखना. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एंड्रोशियम. एंड्रो जहां कहीं भी सुनो ना, एंड्रोजन, एंड्रोशियम. एंड्रो टर्म जो है दैट इज फॉर मेल, ठीक है? गायनो टर्म इज फॉर फीमेल. तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज एंड्रोशियम. ईच यूनिट ऑफ द एंड्रोशियम इज नोन एज स्टेमन. हर एक यूनिट को, हर इंडिविजुअल यूनिट को स्टेमन बोलते हैं. ईच इंडिविजुअल यूनिट इज नोन एज स्टेमन, ठीक है? स्टेमन Stamen is also known as, point wise likhte jao ye, stamen is also known as ye known as hai, known as microsporophyll. Stamen is also known as microsporophyll. Stamen kya bolte hain? Stamen ko isko microsporophyll bolte hain. Stamen is also known as microsporophyll. ठीक है, अ टिपिकल स्टेमेन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. अ टिपिकल, ये क्या लिखी है? के ए आर नोन एज, नोन एज. ठीक है, स्टेमन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. ठीक है, स्टेमन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. देखे थे हम लोग डायग्राम में, द स्टेमन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक होता है हमारे पास फिलामेंट और दूसरा होता है एंथर. ठीक है, तो इफ आई ड्रॉ अ स्टेमन हियर, ये बन गया आपका फिलामेंट और यहाँ पे ये है एंथर. ठीक है, तो दिस इज योर एंथर, दिस इज योर फिलामेंट और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे स्टेमन. ठीक है, फिलामेंट के अंडर लिखो लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर, लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर दैट जॉइंट्स द स्टेमेन टू the thalamus. Long thin structure that joins the stamen to the thalamus. Anther ke andar likho, at the free end of filament, at the free end of the filament, comma, free end मतलब जो एंड कहीं भी अटैच ना हो.
एक एंड होता है जो कि आपका अटैच्ड है थैलेमस से, राइट? एक एंड होगा जो कि थैलेमस से अटैच्ड होगा. दूसरा एंड जो है वो फ्री एंड है, वो हवा में मूव करता है. सो एट द फ्री एंड ऑफ द फिलामेंट अ स्वोलन माइक्रोस्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर, अ स्वोलन माइक्रोस्पोर bearing structure, microspore bearing structure is present known as the anther. समझ में आ रहा है ये बात? Yes, ma'am. Okay. Anther mein hi likho. The anther is generally bilobed. The anther is generally bilobed. The anther is generally bilobed. ठीक है, the anther is generally bilobed. The anther is generally bilobed, and each lobe of the anther and each lobe of the anther has two theca. Has two theca. अब सब चीज का मतलब हम अभी समझाएंगे, ठीक है? पहले लिखो. And each lobe of the anther has two theca. Therefore, it is called dithecus. Therefore, it is called dithecus. ये लिखो, फिर हम समझाते हैं. लिख लिया मैम. ठीक है, चलो अब एंथर को ऊपर से देखेंगे. ठीक है, जैसे मान लो, बताते हैं क्या करना है. मान लो कि ये एंथर है. ठीक है, अब एक चीज नोटिस की होगी, जब भी हम एंथर बनाते हैं हम इस तरह से बनाते हैं. ठीक है, तो ये मान लो हमारा एंथर है, तो हम एंथर को किस तरह से पढ़ेंगे? हम एंथर को यहां से कट करेंगे. तो एंथर दो पार्ट्स में बट गया, डिवाइड हो गया. एंथर अब ऐसा बन गया. ठीक है, एंथर अब ऐसा बन गया. हम एंथर को यहां से देखेंगे. ठीक है, मतलब हम एंथर को ऐसे यहां से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे. ठीक है, ऊपर से देखेंगे तब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोगों को नजर आएगा. तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे एंथर का ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर देखेंगे. ठीक है, ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर देखेंगे हम एंथर का. चलो देखो कैसा होता है. लेट से पॉलन ग्रेन पहले ड्रॉ कर. ये बाइलोट एंथर को खोल दी है. हाँ, एंथर को खोल दिए. ठीक है, तो ये बाइलोट एंथर नजर आ रहा है? यस मैम. यस मैम. बाइलोब्ड एंथर नजर आ रहा है. अब इस एंथर के अंदर ये देखो दो लोब्स बन गया. ये हुआ लोब वन, ये हुआ लोब टू. तो बाइलोब तो समझ में आ रहा है, कट करने से बाइलोब नजर आ रहा है. अब बाइलोब के अंदर भी हर लोब में दो थीका प्रेजेंट होगा. ठीक है, इस लोब में दो थीका, इस लोब में दो थीका. ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये है हमारा थीका.
और ये क्या है लोब. तो कितना लोब और कितना थीका है एक एंथर में? मैम चार लोब, दो लोब है और चार थीका है. बाई लोब्ड है तो टू एंड चार थीका है. इन टोटल एक एंथर में कितना थीका प्रेजेंट होता है? चार थीका प्रेजेंट होता है. ये समझ में आ रहा है? यस मैम. ओके जस्ट वेट अ मिनट. एक मिनट बस वेट करना ठीक है. मेरा वीडियो नजर आ रहा है? यस मैम. नजर आ रहा है? हम नजर आ रहे हैं? ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है? यस मैम. नजर आ रहा है? यस मैम. ये देखो यहाँ पे चार थीका नजर आ रहा है? यस मैम. यस मैम. ठीक है ये देखो ये हुआ एक थीका. ठीक है ये हुआ दूसरा थीका. ये हुआ तीसरा थीका और ये हुआ चौथा थीका. ठीक है तो ये चार थीका नजर आया? ठीक है हाँ मैम. ओके रुक जाओ इसको लगा लेने पहले. ये चार थीका छोड़ दो. ये चार थीका प्रेजेंट है. ठीक है बायलोब्ड है ये मान लो एक एंथर है जिसको हम कट किए. ये बाइलोब्ड है और हर लोब में दो थीका है तो ये चार थीका इन टोटल प्रेजेंट है. ठीक है ये चार थीका इन टोटल प्रेजेंट है. अब हर थीका को हम बोलते हैं पॉलन सैक. ठीक है तो मान लो एक थीका को हम निकाले यहां से. एक थीका को निकाले इसको क्या बोलेंगे? दिस इज वन पॉलन सैक. अब इसको पॉलन सैक क्यों बोलते हैं? पॉलन ग्रेन्स बियर करता है. पॉलन ग्रेन्स स्टोर होता है और बियर करता है. इसको पॉलन सैक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें पूरे थीका में पूरे एक एक थीका में पॉलन ग्रेन स्टफ्ड होता है. ठीक है तो एक पॉलन सैक इसमें क्या भरा हुआ है ऊपर से लेके नीचे तक पूरा क्या भरा हुआ है? मान लो एक पॉलन सैक को हम निकाले इसमें हम चीनी भर दी है पूरी तरह से. ठीक है तो एक पूरे पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन भरा है तो इसमें भी पॉलन ग्रेन भरा होगा पूरी तरह से. जितने भी पॉलन सैक्स हैं उन सब में पॉलन ग्रेन्स भरा होगा. ठीक है समझ में आ रहा है? ये एंथर है. इस एंथर को कट किए दो लोब बना. हर लोब में दो थीका है सो इट इज अ डायथीकस कंडीशन. हर थीका को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलन सैक. हर थीका को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलन सैक. पॉलन सैक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो अब आगे अगर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें हम तो ऊपर से देखा है ना पर ये नीचे ऐसे कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा. ठीक है इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स भरा हुआ रहेगा. एक थीका का ड्रॉ कर रहे हैं इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स भरा हुआ होगा. ऐसे हम पॉलन ग्रेन्स बाहर क्यों जा रहा है? बाहर नहीं जा रहा है ऊपर से काट के देख. चलो ठीक है इसको मिटाई देते हैं. ठीक है इसके अंदर थीका के अंदर होता है ना? हाँ थीका के अंदर प्रेजेंट है पॉलन ग्रेन्स. ठीक है पूरी तरह से पॉलन ग्रेन्स भरा हुआ है. ये एक थीका के अंदर इतना सारा पॉलन ग्रेन्स है. चार थीका है चारों में पॉलन ग्रेन्स भरा हुआ होगा. समझ रहे हो? तो पॉलन सैक है ये और पॉलन सैक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होता है. पॉलन सैक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होता है. इज दैट ओके? यस मैम. ठीक है यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अभी देखो इस स्ट्रक्चर को रब करें या कोई बना रहा है मैम?
एंथर को डाइथिकस भी कहते हैं, तो एग्जाम पे एंथर की जगह डाइथिकस भी लिखा हुआ आ सकता है क्या? क्या लिखा आ सकता है? डाइथिकस ईच लोब इज डाइथिकस होता है, एंथर डाइथिकस नहीं होता है, ठीक है? ईच लोब इज डाइथिकस, ओके मैम. एक लोब डाइथिकस कैसे? अच्छा, एक लोब में दो थीका होता है, इसीलिए लोब में दो थीका है तो डाइथिकस है, और टोटल एक एंथर में चार थीका है. चार था मैम. हाँ मैम, हम लोग तो स्कूल में सर एक स्टेटमेंट लिखवाया जिसमें कि डाइथिकस एंथर देयर आर टू थीका एंड फोर माइक्रोस्पोरेंजिया, तो इसका मतलब क्या होगा? टू थीका एंड फोर माइक्रोस्पोरेंजिया. यस मैम. फोर माइक्रोस्पोरेंजिया तो सही है, पर थीका भी फोर होगा मैम. डाइथिका में नहीं मैम, वो बोल रही शायद डाइथिका में तो दो ही होगा ना थीका. एक सेकंड रोशनी, तुम बोलो क्या बोल रहे हो? मैम स्टेटमेंट है इन डाइथिकस एंथर देयर आर टू थीका एंड फोर माइक्रोस्पोरेंजिया. इन डाइथिकस एंथर देयर आर टू थीका एंड फोर स्पोरेंजिया. It should be four theca actually. मैम डाइथिका तो four theca कैसे होगा? मैम दो ही theca है, दो में बटा हुआ है ना इसलिए. By lobed है ना, theca तो चार है ना. मैम डाइथिका हुआ ना. मैम वो स्टेटमेंट आप फिर से उसको बोलिए रिपीट करने. फिर से बोलो. स्टेटमेंट मैम, स्टेटमेंट है इन डाइथिकस एंथर देयर आर टू theca एंड फोर माइक्रोस्पोरेंजिया. In diathecus anther there are two theca. अच्छा diathecus anther है. हाँ, in diathecus anther there will be two theca. अगर diathecus anther है तो दो theca होगा. ठीक है. anther तो diathecus ही होता है ना? ये पूरा anther है ना? ये पूरा anther है ना? चार theca present है. ये tetrathecus होगा ना मैम? क्या वही हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो चार theca है ना? हाँ, ये टेट्राथिकस होगा. समझ रहे हो कुछ? मैम माइक्रोस्पोरेंजिया किसको बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया हम इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसमें कि माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होता है, इसी पॉलेन को ही हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे आगे. समझ रहे हो? तो माइक्रोस्पोरेंजिया चार है वो तो सही है, पर यहाँ पे थीका भी तो चार है. एनसीईआरटी ओपन करो. एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि देयर आर टू लोब्स एंड ईच लोब आर हैविंग टू थीका. देखो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ईच एंथर इज जनरली बाईलोब स्ट्रक्चर. ठीक है, वही अभी समझा रहे थे कि एक एंथर है वो बाईलोब है. ठीक है, एक एंथर है वो बाईलोब है. ऊपर से बनाने तो यहाँ पे ये एक एंथर है, ऊपर से अगर देखे तो ये एक एंथर है, दिस इज बाईलोब. ठीक है, दो लोब में डिवाइडेड है, दिस इज बाईलोब, और हर लोब में दो थीका है. दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है. यस मैम. ठीक है. Each anther is generally bilobed structure. ठीक है, हर anther में दो lobe present होता है. ठीक है, each anther is generally, अब लिखा हुआ है generally bilobed structure. Okay, each anther is generally bilobed structure. So the anther has two anther lobes and each lobe of the anther has two theca. Each lobe of the anther, ये अगर लोब वन है, ये अगर लोब टू है, तो ईच लोब ऑफ द एंथर इज हैविंग टू थीका. समझ रहे हो रोशनी? यस मैम. ठीक है, हर लोब में दो थीका प्रेजेंट है. तो डाइथिकस ही बोलते हैं इसको, डाइथिकस ही बोलते हैं क्योंकि हर लोब की हम बात कर रहे हैं. हेलो मैम. हेलो मैम. प्रेजेंट है इसलिए डाइथिकस ही बोलते हैं. मैम 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 450 से क्लास है मैम, अगला क्लास बोलो विशा. एक मिनट बाद मैम, अगला क्लास एक मिनट बाद है मैम, अगला क्लास एक मिनट बाद ही है मैम. अच्छा अगला क्लास
अभी है आरके, हाँ आरके सर मैसेज किया अभी जस्ट. अच्छा हाँ अच्छा ठीक है. हम सर बोले कि जब तक ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन करना है, क्लास खत्म होगा उसके बाद. अच्छा सब बोले हैं. अच्छा हाँ देखो अभी मैसेज किया सर. ठीक है ठीक है ठीक है ओके. ठीक है पर फिर भी हम लोग यही तक रखते हैं क्योंकि टाइम तो हमको लगेगा ही खत्म करने में उसको, तो यही तक रखते हैं, अगले क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे. और शाम में 7 बजे आपका सक्षम का क्लास है. ठीक है नीट सक्षम तो जिनकी बायो होगा. हाँ बायो होगा. बायो होगा ठीक है. बायो है नीट सक्षम 7 बजे. जिस किसी को एनाटॉमी पढ़ना है ना, प्लांट एनाटॉमी पढ़ना है, दे कैन जॉइन. थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर ही होगा अगर एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे तो इस चैप्टर में थोड़ा मदद ही मिलेगा. तो जिस किसी को एनाटॉमी पढ़ना है दे कैन जॉइन एट 7 PM. लिंक हम शेयर कर देंगे. ओके मैम. ओके चलो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में वील कंटिन्यू. ओके थैंक यू मैम. चलो थैंक यू. जाओ क्लास करो फिर. चलो ओके बाय.